हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। आज हम इस टॉपिक को समझेंगे, क्या होता है बिज़नेस कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संचार के बारे में आज पढ़ेंगे। तो व्यावसायिक संचार पढ़ने से पहले यानी बिज़नेस कम्युनिकेशन पढ़ने से पहले हमको कम्युनिकेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिकेशन कहाँ से आया, कैसे इसका मीन निकाला गया, कैसे इसको डिफ़ाइन किया गया, इसकी ऑथर कि कुछ डेफिनेशंस भी देखेंगे। तो चलिए इसके पहले बेसिक मीनिंग की तरफ। कम्युनिकेशन एक लैटिन भाषा का एक शब्द कम्युनिकेयर से लिया गया है। कम्युनिकेयर का मतलब क्या होता है, जानना या समझना। संचार से आशय सूचनाओं, तथ्यों अथवा किसी के विचारों को समझना तथा दूसरों को बताना, यानी द एक्ट ऑफ शेयरिंग और एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन, आइडियाज और फीलिंग्स। संचार का मतलब ये होता है कि हमारे पास जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी फैक्ट्स है, हम उनको एक जो भी आपका एक कन्वे करने वाला जो भी आपका रिसीवर या सेंडर होता है उसकी तरफ से आप दूसरे की तरफ फ्लो करवा सकते हो। हर संचार में एक प्रेषक, एक संदेश और एक प्राप्तकर्ता शामिल होता है। एवरी कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एटलीस्ट वन सेंडर, वन मैसेज एंड वन रिसीपेंट या रिसीवर्स। ये जितना कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन जितना सुनने में इजी लग रहा है उतना है नहीं। कम्युनिकेशन बहुत डीप सब्जेक्ट है। कम्युनिकेशन का सीधा सा बेसिक मीनिंग जो है वो यही है कि आप अपने आपसी विचारों को, आप संचार शब्द का यही अर्थ है कि आप अपने आपसी जो विचार है, आपके जो भी थॉट्स है, आप एक दूसरे से समझते हो, एक दूसरे को बताते हो और अच्छे समझ और अच्छे कम्युनिकेशन से आपके रिलेशनशिप भी बेटर होते हैं। इसके बाद कम्युनिकेशन के बहुत सारे टाइप होते हैं। ज़रूरी थोड़ी है कम्युनिकेशन आप रिटन में ही करो, वर्बल भी हो सकता है, ओरल भी हो सकता है, सिंबॉलिक भी हो सकता है। तो इस तरह से भी आप कम्युनिकेशन को कंप्लीट करवा सकते हो। कम्युनिकेशन का एक ही एम है कि आप जिस फॉर्म में आप एक सेंडर अपने मैसेज को रिसीवर तक भेजता है, उसी फॉर्म में, उसी मीन में अगर रिसीवर भी उस मैसेज को समझता है तो तब जाकर हमारा कम्युनिकेशन कंप्लीट और सक्सेसफुल माना जाता है। अदरवाइज़ कम्युनिकेशन के बहुत सारे मीनिंग निकलते हैं। अदरवाइज हमने जो मैसेज कन्वे किया है, रिसीवर उसका उल्टा मीन भी देख सकता है, रिसीवर के जो भी थॉट्स है वो उनसे मैच नहीं होते हो। तो इस तरह से कम्युनिकेशन का बेसिक जो मीन है वो यही है कि आपके जो भी विचार है, जो भी थॉट्स है, जो भी इन्फॉर्मेशन है, उन विचारों को समझना और किसी दूसरे को बताना, और उसी फॉर्म में बताना जिस फॉर्म में आपने उनको समझा है, आपने उनको ग्रहण किया है। चलिए अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं जॉर्ज टेरी की। जॉर्ज टेरी क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन इज एन एक्सचेंज ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस और इमोशन बाय टू और मोर पर्सन। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करना है। टू और मोर पर्सन के बीच में आप क्या करते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हो और या फिर अपने किसी भी फैक्ट को, किसी भी थॉट को शेयर करना ही कम्युनिकेशन है। एक और डेफिनेशन देख लेते हैं कम्युनिकेशन की, कुंजो डोनल की। कम्युनिकेशन इज द ट्रांसफर ऑफ इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वेदर और नॉट इट इलिसिट कॉन्फिडेंस। कि संचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को, दूसरे को सूचनाओं का हस्तांतरण करना, चाहे उसमें वो विश्वास करे या नहीं करे। कम्युनिकेशन का हमने मीनिंग देख लिया कि कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग क्या होता है कि हम अपने थॉट्स, अपने जो भी फैक्ट्स है, अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सचेंज करते हैं वन टू मोर पर्सन। ठीक है, अब इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो ये है कि एक्सचेंजिंग इन्फॉर्मेशन एंड आइडियाज।
अभी तक हमने ऊपर जितना भी टॉपिक डिस्कस किया है उसमें हमने यही बोला है कि कम्युनिकेशन का बेसिक मीनिंग यही है कि आप अपनी सूचनाओं को, आप अपने तथ्यों को क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। जैसे कि एग्जांपल, मुझे एक इंफॉर्मेशन, मुझे एक मैसेज आया है कि कल हम कहीं पिकनिक पर जा रहे हैं, कल हम कहीं बाहर खाना खाने जा रहे हैं। तो वो मैसेज जिसने आपको भेजा है, जो आपके उस मैसेज का सेंडर है, उसने उसी फॉर्म में भेजा है जिस फॉर्म में आपने उस मैसेज को ग्रहण किया, आपने उस मैसेज को लिया है। अब आगे देखते हैं, सेकंड है हमारा, मैसेज इज कंटेन ऑफ कम्युनिकेशन। बिना, एक बात बताओ, बिना मैसेज के कोई कम्युनिकेशन हो सकता है? आप, एक एग्जाम्पल देती हूँ, आपके जैसे फोन में इनबॉक्स आता है, या फिर आपके घर पर लेटर आता होगा, आपके टीवी में कुछ भी आता होगा, तो बिना कोई कंटेंट के कभी भी कोई मैसेज मिल सकता है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स ये थी कि विदाउट मैसेज नो कम्युनिकेशन। फिर है विथ इंफॉर्मेशन, बिना इंफॉर्मेशन के कभी भी कोई भी मैसेज कन्वे नहीं किया जाता है, फॉरवर्ड नहीं किया जाता है आगे। फिर फोर्थ है आपका अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेजेस, हम जिस भाषा में मैसेज को बना रहे हैं, एक सेंडर जिस भाषा में मैसेज को भेज रहा है, क्या रिसीवर उसको समझ पाएगा? अगर रिसीवर नहीं समझ पाता है तो हमारा जो कम्युनिकेशन है वो अनसक्सेसफुल माना जाएगा, बिकॉज हमारे जो मैसेज का जो मोटिव था वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो मैसेज उसी भाषा में, उसी लैंग्वेज में होना चाहिए जिसमें उस रिसीवर को समझ आ जाए। फिर है हमारा फीडबैक, कम्युनिकेशन का एक सिंपल सा प्रोसेस है। एक एग्जांपल बताती हूँ, क्लास में सारे बच्चे बैठे थे, एक क्लास है उसमें 20 बच्चे, ठीक है, 20 बच्चों में से पूछा कि कल किसको टेस्ट देने, कल आपका टेस्ट है, आपको लर्न करके आना है, अगर आपके पास कोई डाउट है तो अभी पूछ लीजिए, ठीक है। अब उस टेस्ट के बारे में जितनी भी क्वेरी होगी क्विकली आ जाएगी, क्यों? क्योंकि मेरा मैसेज उन बच्चों को समझ आ गया है। मैंने क्या बोला कि कल टेस्ट है आपका और आप प्रिपेयर होकर आना और आपके जो भी डाउट्स है वो आप पूछ सकते हो, यानी बच्चों को समझ आया कि मैम कल टेस्ट लेने वाली है और उन टेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी अगर कोई क्वेरी है तो पूछ सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हमको फीडबैक मिल सकता है हमारे मैसेज का। फिर है यूनिवर्सल है, क्या मैसेज हम कहीं पर भी भेज सकते हैं, कहीं पर भी किसी को भी मैसेज दे सकते हैं जिसको हमको देना है, कोई भी सेंडर कोई भी रिसीवर बन सकता है? श्योर। फिर है रिटन, वर्बल और सिंबॉलिक, जरूरी है क्या मैसेज बोलकर ही कन्वे किया जाए? मैसेज लिखा भी जाता है, मैसेज बोला भी जाता है, मैसेज सिंबॉलिक भी होता है। रिटन और वर्बल तो हमको समझ आ गया, अब आप पूछोगे सिंबॉलिक क्या होता है, दिमाग में चक्कर चल रहा होगा, सिंबॉलिक मैसेज कैसे होता है? आपको पता है रोड पर हम जब भी चलते हैं तो कुछ सिंबल्स बने होते हैं, जैसे यहां से टर्न ले लीजिए, यहां पर डेंजर है, डेंजर जोन का सिंबल लगा होता है, तो इसका मतलब हम समझ रहे हैं ना कि वो मैसेज लिखने वाला क्या कह रहा है, कि इसके आगे से आप लेफ्ट टर्न होइएगा, इसके आगे डेंजर है, तो हम उसका मैसेज समझ रहे हैं। तो वो जो सिंबल है वो भी हमारे एक मैसेज है, तो इस तरह से सिंबॉलिक मैसेज भी होता है। फिर है हमारा डायरेक्शन, कि डायरेक्शन यानी कि ये निर्देशक और निर्देशित व्यक्तियों के बीच में एक सेतु, एक ब्रिज का काम करता है। कैसे बताओ, एक डायरेक्टर जो उसके एम्प्लॉयज होते हैं उसको डायरेक्ट करने के लिए जो भी मैसेज भेजता है वो कम्युनिकेशन के जरिए ही हो पाता है पॉसिबल। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं कि अब तक हमने देखा कम्युनिकेशन क्या होता है, अब हम देखते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन यानी व्यावसायिक संचार क्या होता है। व्यावसायिक संचार, देखो बिजनेस कम्युनिकेशन दो वर्ड से मिलकर बना है, बिजनेस और कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का मीनिंग हमने अभी समझा है, अगर हम कम्युनिकेशन को बिजनेस से रिलेट कर दे तो क्या हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन बन सकता है? कैसे? देखिए,
व्यावसायिक संचार एक कंपनी के भीतर और बाहर के कर्मचारियों के बीच सूचना साझा करने की प्रक्रिया है। बिजनेस कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग इंफॉर्मेशन बिटवीन एम्प्लॉयज विद इन एंड आउटसाइड अ कंपनी। कंपनी के बाहर के लोगों के और कंपनी के अंदर के लोगों के, कंपनी में काम करने वाले और कंपनी जिसके लिए काम करती है, यानी कस्टमर्स, बैंक, सोसाइटी, पॉलिटिकल्स, इन सब के बीच में एक क्या करता है, ये कन्वे करता है मैसेज, जिससे कंपनी को भी बेनिफिट होता है और जिससे हमारा जो कंज्यूमर है उसको भी बेनिफिट होता है। इस प्रकार के व्यावसायिक संचार, संचार का वह भाग है जो व्यावसायिक क्रियाओं से संबंधित होता है तथा व्यवसाय को गतिशील बनाने में सहायता करता है। जब दो या दो से ज़्यादा लोग अपने थॉट्स, अपनी इन्फॉर्मेशन, अपने फैक्ट्स को एक्सचेंज करते हैं, और वो भी किस में, बिजनेस एनवायरनमेंट में अगर चेंजेस हो रहा है, अगर एक्सचेंज हो रहा है, तो वो हमारा बिजनेस कम्युनिकेशन माना जाएगा। क्लियर है? अब हम आगे देखते हैं नेचर ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। सबसे पहले देखते हैं कंटिन्यूस प्रोसेस है ये बिजनेस कम्युनिकेशन। क्या ये एक बार मैसेज कन्वे कर दिया उसके बाद कोई फीडबैक कोई लेने की जरूरत नहीं है? नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कम्युनिकेशन, बिजनेस कम्युनिकेशन जो है वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जो लगातार चलती रहती है। फिर है आपका कि रिलेटेड टू ह्यूमन। सूचनाएं देता कौन है? सूचनाएं देनी किसको है? इंसान को, मानव को, ह्यूमन बीइंग को। यानी कि संचार में सूचनाओं का आदान प्रदान मानवीय समूहों के मध्य किया जाता है। फिर है टू पार्टी होनी चाहिए। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया है कि कम्युनिकेशन के लिए हमको एटलीस्ट दो बंदे चाहिए। कौन से होने चाहिए वो? एक होता है आपका सेंडर, एक होता है रिसीवर। इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, पर कम से कम एटलीस्ट टू पर्सन तो होने चाहिए जिससे एक सेंडर बन सके और एक रिसीवर बन सके। फिर एक कन्वर्जेशन, संवाद। अब कन्वर्जेशन किस टाइप का हो सकता है? फैक्ट्स हो सकते हैं, लॉजिक हो सकता है, फीलिंग्स हो सकती है, हमारी कुछ भी जैसे कुछ भी प्रॉब्लम्स है, कुछ भी कंप्लेंट्स है, कुछ भी सजेशन है, कुछ भी थॉट्स है, कंसल्टेंसी है। तो ये सारी चीज़ें आपके बिजनेस कम्युनिकेशन में क्या होती है, एक कन्वर्जेशन के तौर पर हो सकती है। फिर है सोर्स। बिजनेस कम्युनिकेशन में सूचनाओं को हम एक्सचेंज करते हैं, इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में काम आने वाले जो मीडियम है ना, वो है देखो, या तो ओरल हो सकता है, या रिटन हो सकता है, या फिर ऑडियो विजुअल, या फिर हमारे सिंबॉलिक। हम ये आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर इन सारे मीडियम को हम यूज़ करते हुए, सोर्सेज को यूज़ करते हुए अपनी इन्फॉर्मेशन को आगे फ्लो करवा सकते हैं। फिर है हमारा उद्देश्य परख। संचार की सफलता उद्देश्य पूर्ति पर निर्भर होती है, ऑब्जेक्टिव। फिर नेक्स्ट है मैनेजमेंट बेस्ड, प्रबंधकीय आधार, यानी कि प्रबंध की संपूर्ण क्रियाएं प्रभावी इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर डिपेंड करती है। फिर है हमारा फीडबैक। एक बिजनेस कम्युनिकेशन को अगर सक्सेसफुल बनाना है तो फीडबैक बहुत इम्पॉर्टेंट है। जस्ट एक एग्जाम्पल देती हूँ, आजकल हर किसी भी, कोई भी प्रोडक्ट आप खरीदते हो तो पीछे उसका फीडबैक फॉर्म दे रखा होता है, या फिर पीछे उसके फीडबैक नंबर दे रखे होते हैं जिस पर आप गूगल करोगे तो आपको फीडबैक का ऑप्शन मिल जाएगा। फिर है आपका मिसकंसेप्शन, भ्रम निवारण। इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो है वो कंपनी में, फर्म में जितनी भी रूमर्स, जितनी भी अफवाहें हैं उनको कम करने का काम करती है। फिर नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ थॉट्स, यानी विचारों में एकता और संभाव। सफलता दोनों पक्षकारों के बीच मात्र सूचनाओं के आदान प्रदान, एक्सचेंज पर डिपेंड नहीं करती है। एक्सचेंज किया तो इसका मतलब आपका बिजनेस सक्सेसफुल, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप क्या करते हो, अपनी समझ, अपनी यूनिटी को क्या करते हो, एक्सचेंज करते हो। सिर्फ आप विचारों को एक्सचेंज नहीं करते हो, आप अपनी यूनिटी को भी एक्सचेंज करते हो। तो ये थे हमारे बिजनेस कम्युनिकेशन के नेचर। अब आगे देख लेते हैं
इसके कुछ बिजनेस कम्युनिकेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव और कुछ फंक्शंस दे रखे हैं, वो देख लेते हैं। सबसे पहला, इसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखिए नीचे डायग्राम बना हुआ है, दो पार्ट्स में डिवाइड किए, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब है इन्फॉर्मेशन, इंटरनल का मतलब है कि व्यवसायिक संचार का मुख्य उद्देश्य व्यवसाय के अंदर कार्य करने वाले व्यापारिक तथ्य, जानकारियां, उपलब्ध सूचनाओं को इकट्ठा करना और फर्म तक पहुंचाना। यानी कि इंटरनल ऑब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि अगर कंपनी के अंदर जो जो उसकी इंफॉर्मेशन है, जो भी उसके फैक्ट्स है, उन सबको कंपनी तक पहुंचाना। अब ये है क्या, इसके भी कुछ वर्क्स दे रखे हैं, फंक्शन। सबसे पहला है इंफॉर्मेशन फॉर मैनेजर। व्यवसायिक संचार का कार्य व्यवसाय से संबंधित महत्वपूर्ण तथा सामान्य सूचनाओं और तथ्यों को एकत्रित करके प्रबंधकों को उपलब्ध कराना है, जिससे प्रबंधक निर्णय ले सके। और प्रबंधकों के सही निर्णयों पर ही व्यवसाय की प्रगति निर्भर करती है। फिर नेक्स्ट है कि कर्मचारियों को सूचना उपलब्ध करवाना, यानी इन्फॉर्मेशन टू एम्प्लॉई। एक गुड एनवायरनमेंट के लिए हमको कर्मचारियों के बीच में, जो भी हमारे एम्प्लॉयज है कंपनी के, उनसे हमको रिलेशन अच्छे बनाने होते हैं। और उसके लिए एक पक्ष से, एक पार्टी से दूसरे पार्टी तक मैसेज को कन्वे करना बहुत ज़रूरी है। फिर थर्ड है कोऑर्डिनेशन। व्यवसाय को चलाने के लिए विभिन्न वर्गों के बीच में समन्वय का कार्य संचार ही करता है। व्यक्ति अथवा समूहों को संचार द्वारा ही ये पता लगाया जाता है कि अन्य उसने क्या अपेक्षा रखते हैं अन्य उससे, और या फिर उसका काम कितना कोऑर्डिनेटली हो रहा है। फिर है हमारा इंक्रीज इन एम्प्लॉयज मॉरल। कर्मचारियों के मनोबल में बढ़ोतरी। संगठन में नीतियों तथा कार्यक्रमों का निर्धारण किया जाता है। इनकी जानकारी ठीक प्रकार से कार्य करने वालों तक पहुंचाने का ही कार्य संचार द्वारा ही संभव है। कितना काम कौन करेगा, कैसे करेगा, ये सारा कम्युनिकेशन से ही पॉसिबल है। ये थे हमारे इंटरनल ऑब्जेक्ट्स। फिर है हमारे एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स, यानी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट यानी व्यवसाय के बाहर के व्यक्तियों के बीच में संवाद के, संवाद ही बाध्य व्यावसायिक संचार का कार्य है। इंटरनल का मतलब क्या है कि कर्मचारियों, कंपनी के अंदर कार्य करने वालों के बीच में और कंपनी के बीच में जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो। फिर है कि कंपनी व्यवसाय से, फर्म से बाहर जो काम, बाहर के जो व्यक्ति है उनके और कंपनी के बीच का जो कम्युनिकेशन है वो। अब इसके क्या ऑब्जेक्ट है, सेल ऑफ गुड और सर्विसेज, माल और सेवाओं की बिक्री करना। माल और सेवाएं कौन खरीदते हैं, बाहर के लोग, कस्टमर्स। और कस्टमर कंपनी का हिस्सा नहीं होते, हाँ हिस्सा होते हैं पर वो कंपनी के एम्प्लॉयज नहीं होते। तो कंपनी की जो बिक्री है, जो सेल है प्रोडक्ट और सर्विसेज का, वो कंपनी के जो भी कस्टमर्स आते हैं उनको गुणवत्ता के बारे में जानकारी देना, क्वालिटी कैसी है, उसकी प्राइस कैसी है, वो सब कुछ बताना ही हमारा कम्युनिकेशन है। फिर है रिलेशन विद सप्लायर। रिलेशन विद सप्लायर यानी यदि व्यवसाय में माल का निर्माण किया जाता है अथवा बने हुए माल की बिक्री की जाती है, तो हर दशा में कच्चे माल या बने हुए माल की आवश्यकता होती है। कच्चा माल किस किस्म का, कब, कहाँ, कितनी मात्रा में सप्लाई करना है, ये हमको सप्लायर को बताना पड़ेगा। एंड लास्ट वन है इन्फॉर्मेशन टू अदर पार्टी, यानी व्यावसायिक संचार का एक महत्वपूर्ण कार्य अन्य पक्षों को सूचना देने का भी है। व्यवसाय के दौरान बैंक, सरकारी जो भी ऑफिसर्स है, टेलीफोन, इन सब से अपनी सूचनाओं को शेयर करना। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव और फंक्शन बोल सकते हैं बिजनेस कम्युनिकेशन के दो, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अंदर का काम होता है, जो अंदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो अगर आपस में बात कर रहे हैं कंपनी के काम के लिए, तो वो हमारा है इंटरनल। और एक्सटर्नल है कि कंपनी और कंपनी के बाहर के व्यक्ति यानी कस्टमर्स, बैंक, ऑफिसर्स, ये लोग, तो इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो हमारा होगा एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। तो इस तरह से हम कम्युनिकेशन को बता सकते हैं कि बिजनेस कम्युनिकेशन एक ऐसा संचार है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति अपने आपस में क्या करते हैं, वो विचारों,
अभिव्यक्तियों, उसकी भावनाएं, उसके फैक्ट्स, उनकी इंफॉर्मेशन, इनको शेयर करते हैं या फिर एक्सचेंज करते हैं। इसमें तीन जो पॉइंट्स है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला है सेंडर, जो मैसेज को लिखता है, जो मैसेज को बनाता है, जो मैसेज को भेजता है, ठीक है। फिर है रिसीवर, यानी कि जो मैसेज को पढ़ता है, जो मैसेज को सुनता है, जो मैसेज को समझता है, जिसके पास मैसेज जाता है। एंड थर्ड है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज। बिना मैसेज के कोई रिसीवर नहीं, कोई सेंडर नहीं, यानी मैसेज बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैसेज का मतलब जिसमें कोई भी आपकी इन्फॉर्मेशन, कोई भी फैक्ट्स, कोई भी फीलिंग्स अंदर हो। क्लियर है? इसी के साथ हम आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। थैंक यू।